पाई, अड्डी सर से पग रखी है, कभी अंदर नहीं देखी है, कैसे गली को बैठे और किबला जी पीछे पे भी रोना फिर रहते हैं, वो ऊपर से हाथ असल में अभी इधर से बड़ी खराब है जनाब, वो नाथ था जिसके अपने भी मुंह पे दाढ़ी कोई थी, और जनाब वो आपको क्या कह रहा है मेरे नाल नाल पढ़ो, आप भी सारे शदाई आप पढ़ रहे हो उसके साथ क्या बोला, मैनू रोज हशर दा डरना, डर ही नहीं, टेंशन कर दी है, जब कह ही दिया कि डर ही नहीं, जो गलत हो गई, जब मान लो दिया कि डर नहीं, वो कह रहा पढ़ो, आप साथ पढ़ रहे हो सारे साथ, वे तो हशर दर पार्टी के मौजूदा यूट्यूब पे खोल के देखो, पढ़ो नहीं इस कलाम को, पढ़ पता नहीं इसके शायर कौन है, अला मंसूब है ये कि आजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह का कलाम, मैं कहने का चलो मान भी लिया कि ख्वाजा साहब, बोले कि वो ख्वाजा साहब तू कौन है, तूने कौन सा काम कर लिया कि तू कहता फिर रहा जी मुनी रोज और चलता डाल गुलाम फरीद तबीयत होगी को आल होगा, कह दिया वो बड़े लोग हैं, तू कौन है मियां, मुंह तेरे पर दाढ़ी नहीं, नमाजें तेरी पूरी कोई नहीं, तू जनाब खड़ा होकर कह रहा मैनू रोज हशर दा डरना, भाई जब क्या ही दिया कि दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी कभी होगी कि दो की होया जी की काका जी की है क्या कह रहे हैं बाबा जी कहना बाबा जी लगता सीधे करनी है अच्छा तो क्या ही दिया कि दाढ़ी नहीं बात काम दो ही सूरतों में होगा या मोहब्बत में होगा या दर्द में होगा क्या ही दिया कि दारी गल मुक्की है लेकिन भाई क्या भी हो वो बहुत डरते थे सरते अबू बकर कहते काश मेरी माँ मुझे जन्नती ना उम्र फारूक अम्मा ऐशा कोई कहता काश मैं घास होता कोई जानवर मुझे खा जाता कोई कहता काश मैं दरख्त होता मुझे काट के जला दिया जाता क्या था कि हुजूर ना पेश होना पड़ता 2000 भाई अलग ही कहने लगे मैं रोज हशर दा डरना गवाह भी खत्म हो गई लेकिन भाई ये आपके ख्याल है हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपने एक शख्स को सिर्फ मुस्कुराते देखा जो हम कर रहे हैं वो करते नहीं देखा नाचते नहीं देखा बंगड़ा डालते नहीं देखा लूटी डालते नहीं देखा मिलावट करते नहीं देखा कुत्ते का गोश्त वो बेचते नहीं देखा गधे का गोश्त बेचते नहीं देखा केमिकल वाला दूध नहीं बेचते देखा सिर्फ मुस्कुराते देखा तो अब उसे फरमाने लगी वो तो पुल से रात से गुजर गए यह आपका ख्याल है कि दो मनु वो दशरथा वो क्या कहते हैं वो तो पुल से रात से गुजर गए अब हमने आपको ऐसे ऐसे मामले दिए ये याद रखना हजरत साहब बैठी हैं उलमा मौजूद हैं आपको पता है पुल सिरात से तो सैयदा फातिमा ने भी गुजरना है याद रखना उनके गुजरने में और हमारे गुजरने में जमीन आसमान का फर्क है वो शहजादी हैं वो जनती औरतों की सरदार है उनका लेकिन गुजरना रिवायत है आवाज आएगी अपने अपनी निगाहें झुका लो मेरे महबूब की बेटी को गुजरने लगी 2000 पाई है जो जो उन्होंने भी गुजरना है तुसी किस तरह कह रहे हो मैंने रोज शरदा डरना क्या कर लिया क्या कोई पढ़ रहा है लोग मैं आन डराया रात कब्र की काली मैं सुनिया उठे आना आना जना मोडे कमली काली सामने बैठे बड़े खुश हैं मैं तुम इस बात करी काली के नहीं आया मेरे इमाम कह के कहते मेरी कब्र गहरी खोद ला अर्ज की इमाम क्यों फरमाया इसलिए कि जब वो तशरीफ लाएंगे मैंने खड़े होके अर्ज करनी है मुस्तफा जाने रहमत के मैं नहीं काली के वो नहीं तशरीफ लेकिन मैं आपसे फिर एक सवाल करने लगा भाई दसीब जरा मैनू ये नून लीग का बंदा फड़ के देते पीटीए वाले से डर जाते उन्होंने खुश होना दुश्मन का बंदा फड़ेगा अल्लाह यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है वैसे एक बात कर समझा अगर बंदा जल्दी पीपल्स पार्टी का पकड़ा जाए तो एम क्यू वाले जाएंगे नहीं इसे पता लगा बदला जिसका पकड़ा जाए जाता भी होगा तो उन्होंने एम ही ना एंजन कर छड़ी
जरा होश में मुझे जवाब देना। सारे अपने अपने अंदर देख के, मैं भी देखता हूँ अपने अंदर, क्या ममली तौर पर हुजूर के बंदे हैं? महबूब तो फरमाते हैं मन गशा पर रही समीना, जो धोखा दे वो हमें से रही नहीं। दो तो केमिकल वाला गोश्त कुत्ते का, गोश्त खोते का, गोश्त बीमार जानवर का, दाल में कंकर, आटे में बूरा, किस कुछ कमी में मुमतला है। महबूब फरमाते हैं मुनाफिक की तीन निशानी है, बात करे झूठ बोले, वादा करे वादा खिलाफी करे, अगर अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत करे। दसो कि गल सा महबूब अलैहिस्सलाम कसम उठा के फरमाते हैं अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर तीसरी बात, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। हमारे ऊपर तो जूं भी नहीं थी, सामने से आगे बैठे थे, जाने भी कर गई। तीन बार अल्लाह के रसूल कसम, भाई दूर को भी कसम उठाने की जरूरत है। ये वो जुबान मुबारक तो वो है जिसके लिए कुरान कहता है इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। मैं आग में तखयल ख्याल है, इस तरह हदीस में नहीं है। मैं कहता हूं कोई तो आगे से रोके अल्लाह के महबूब की बारगाह में की होगी किसी ना किसी सहाबी ने, महबूब वो कौन है जिसके लिए आपको भी तीन बार कसम उठानी पड़ गई? अरे आपका तो ऐसे कह देना काफी था, आप भी तीन बार कसम उठा के कह रहे हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं है। कौन है वो? आपने फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका मन शाया परेशान। आप मुठी कोई करी है उधर अजीब पाजी अपना परेशान इस्लाम गरीब नबी इस्लाम उठो और अपने अपने बच्चे पर मेरा तो कोई मदरसा नहीं, मैं तो अपने लिए मंगा रहा नहीं, और जिनने पुत्र थे मैं किसी नहीं जानता, मुझे तो भी पता जिनने बुलाया, मुझे तो उसका भी नहीं पता, जिनने अमीर बैठे थे ताकि इतने बह के इन्हों जेबा इन्होंने थद्दियां वेख के मसले ना मसले खा के आए सुन किया ना सामने बैठे की सदा डर हो ना सामने बैठे की रिश्वत नहीं चलेगी पुत्र पेश होती है। देखा जब शहीद इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने करबला के लिए निकले ना तो सोचा जो सबसे छोटे शहजादे थे वो इमाम मदीना पाक में वो जगह मौजूद है, मैं शहजादी साहब खड़ी होकर अपने बाबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रास्ता देखा करती हूं, लोग ज़ियारत करते हैं। लिखा उस वक्त सबसे छोटे शहजादे इमाम अली आपने भी शायद अपने घरों में ये बात नोट की हो, बहन थोड़ी जी बड़ी हुई ना तो को अल्लाह छोटा वीर देश है तो फिर बहन अपने वीरों से बड़ा प्यार कर अभी अभी बन जा खाएंगी खिलाएंगी पिलाएंगी कपड़े बदलेंगी लाड करेंगी वीरों से, क्योंकि मेरे घर मैंने अपने घर में खुद देखे सबसे बड़ा बेटा फिर बेटी फिर सबसे लास्ट बेटा आखिरी बेटा, तो जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह वो 10 मचोर है उसको बड़ा प्यार अपने छोटे बड़ा मैं खुश होता था देख के दुआ भी करता था यार अल्लाह आज बहन के घर नहीं भरा की बारी आई है नहीं तो क्योंकि मैंने देखा जब भाइयों की बारी आती बड़े जालिम साबित होते बड़े जालिम साबित होते चिपराता बंद ईदा उमरा सिया तेरी की चीनी के बैठी है लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं उसको तेरी चीनी का कितना इंतजार होता है तेरी सूजी पे बैठी हुई है। तेरी सवैयों पे बैठी हुई है। लेकिन तुझे क्या बताऊं उसका कितना दिल करता है मैं वो सवैयां पका के खाऊं जो मेरा भाई देख के। सुभान अल्लाह।
उन्हें बंद ही कर दी थी मेरा राजा, उन्हें बंद ही कर दी पुत्र वंड पाओ, डिनर भी बड़ा प्यार देता है, वंड पाओ इतने पैर रगड़ी जान दी कि कुड़ी रगड़ी जान दी, वंड पाओ ये वो तेरी बहन है, वो किसी की बहन वो तेरी बहन है, वो अपने बहन भाई तेरे लिए छोड़ के आई, तो वंड पाओ। मैं नहीं डंडी मारूंगा ना, मुझे मेरे मुझसे तूने डंडी मारनी सिखाई है, तो मैं भैन की बोल जा बुढ़िया रगड़ छोड़ पड़ गई, वंड पाओ यार। बहन बहन है, बीवी बीवी, कहीं बीवी रगड़ी जा रही है, कहीं मैं रगड़ी जा रही हूँ, वंड पाओ मैनों से प्यार को। और स्पेशल जहाँ अगर कोई ऐसा भाई बैठा है जिसके माँ बाप नहीं है, सिर्फ बहन है, तो मैं उससे जरूर कहूँगा, भाई वो तूने तो माँ बाप भी बनना था, तुझसे भाई नहीं बन गया है। मैं अरे सब मुझे अपने ससुराल से सबसे पहले जो आई ना शमराब आई, इसलिए मेरे मुँह में शमराब चढ़ती है, क्योंकि मेरा निकाह हुआ था ये बड़ी ईद के बाद, उर्म हरण शरीफ के दरमियान बड़ी ईद के फौरन बाद निकाह, आगे फिर मुहर्रम शरीफ आ गया, तो जो मुझे अपने ससुराल से आया ना वो सबसे पहले शबरात है। उस दिन मुझे पता चला जी पिछू शबरात आंदी हुई है। मैंने अगले दिन ना अपनी बीवी से कहा वो भलिए लोग जी नहीं थे भली दे, तो बड़े फखर से कहती है वो फलानी जगह जरा मेरा भरा लग गया जी जी ओरी चीनी होंगी ना जी ऐ नहीं कह सकती मेरा भरा लग गया, जी तुम लैके जाते कल कल चाहिए दसती है मेरा भरा लग गया, भरावा नहीं पता कि पासा फट रहे। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फिर रोक के बोले किसी किसी बहन का गम हम तक पहुंचा है, क्या कहते हैं मैं बीन चढ़ावन गई तो टूट गई ना मेरी बंगल, मैं बीन चढ़ावन गई तो टूट गई ना मेरी बंगल, माँ आती तो चढ़ाती भी कोलू मंगती पी मैं संगा। बैलेंस करना तो हो जाती है बात, इतने दो थालियां हूँ बची बनी है मेरा, मुझे ना अल्लाह ने सिर्फ एक बहन वो भी मुझसे 7 साल छोटी हो जाती है, इतने दो थालियां हूँ खड़कना ही खड़कना हो जाता है उनकी, क्या करें घर को बात हो जाए मैं बहुत और याद कर लेता, जो बिल्कुल छोटी थी मन अपने मोड़े इधर बिठा के बात है किस तरह बता रहे उसको, मैं वो याद कर रही हूँ बिल्कुल छोटी सी, तुम उसको माँ नहीं या बाप नहीं कहाँ जाएगी, कौन सा दरवाजा उसके पास, अगर मैं बंद कर दूँ कितने हो जाती, मैं दो प्लेटें होंगी खड़क लेंगी आपस में बहन भाइयों में हो जाती है, लेकिन चलिए तुम तो करबला वालों के मान देना, तुम तो मौला मुश्किल कुछ आपके मानने वाले हो, देख भी पता करो छोटी छोटी बातें फिर देते हैं दूसरे से नाराज ना बाटे, पता है इमाम जैनुला बेदी रजी अल्लाह तआला याद रखना बेटा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 72 शहीद होते देखे, तेरी बहन ने तेरे 72 मारे, वाह वाह तेरे भाई ने तेरे 72 मारे, छोटी सी बात हुई तूने भी पकड़ ली, नाम जैनुल आबिदीन उस शख्सियत का नाम है, वो मर्द आहन वो मर्द कलंदर जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 72 कत्ल होते देखे, मैं कत्ल का लफ्ज आप ही बोल रहा हूं, जिनमें इमाम अली असगर भी थे, जिनमें इमाम अली अकबर भी थे, जिनमें इमाम हुसैन भी थे, छोटी बात है तो तेरे नहीं थे इमाम हुसैन थे, जिनके लिए महबूब कहते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, वापस आए करबला से नामे नाम दी मदीना में करबला पाया, एक यजीदी सिपाही आया तो शिमर और इब्ने ज़ियाद की तरफ से लड़ा था, आके इमाम से पनाह मांगी, यजीद उस पर नाराज हुआ, इमाम साहब ने पनाह दी रखा 3 दिन 3 रातें, जब जाने लगा तो इमाम साहब ने उसको वापी पैसे भी दिए, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके वापस आ गया, अर्ज करता इमाम साहब लगता आपने मुझे पहचान लिया, मैं क्यों ख्याल आया तुझे, अर्ज करता हजरत जी पहचान न देते फिर अपने वाले और अपने भाइयों के खातर लुकाए चलना रखते हैं, कमाल जवाब पर मैं सुन लो जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे पहला तलवार का वार किया था
मैं तो तब का तुझे पहचानता हूँ, फर्क बस इतना वो तेरा किरदार था ये मेरा किरदार।
इमाम एलियासगर बहन की गोद में आ गए। आप बड़ी खुशी हुई, चलो भाई रख लिया। अब बाबा को कहीं देखे भाई, बाबा ये सर तो जाने नहीं चाहते, या फिर मुझे भेज जाए, इनको छोड़ दे, ये काम तो होगा। इमाम अली मुकाम आप देख रहे थे सारा, आप भी आए और आप भी आते इमाम अलीसगर के काम में कुछ कहा, वो फिर वापस इमाम अली मुकाम की बात कहा। ये बड़ी हैरान होंगी हो गए, रोकेस करती हैं, बाबा आपने क्या कहा अलीसगर के काम, मेरी गोद में से आपकी गोद, मेरी बेटी है, मेरी शहजादी, मैंने भी इतना ही कहा है, ओए अली इसमें तू करबला नहीं चलेगा, मदीना रुक रहा है बहन के पास, फिर इतना बता दे, अगर मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा क्या करेगा, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। किसी वेले तो होश चल के भी कि मुरादी खराब करते हैं, कितने हैं कितने लोग कहां ये कहां वो, 4 दिन मुंह ना धोए तू ही ना देखी, 2 दिन क्रीम ना लाए तू ही ना देखी, लेकिन उनको देख के देखने वाले कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाख नूरानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, मखमूर अखी है मर बनिया, लंबा सुरखा खा के लाल यमन, चिट्टे दाने मोती दिया हैं कलियां, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे यार सुभान अल्लाह अल्लाह जिनको देख के हजरत हसन कहते वा अहसन मिन का लम तरक्त आई महबूबा के सोना मेरी आंख ने देख ही नहीं, और कैसे वो आज मालूम इन कलम तेरी दिन निशा महबूब बेटा किथू ऐडा सी नो जमीर किसे माने जमे फिर मायशा भी बोली अफरानिया ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, जिनको वाइद कालत इमरान रब्बी है, जिनको ताना दिया जनाने मिस्र में, और जुलेखा ये क्या कर रही है, अजीजे मिस्र की बीवी होके अपने गुलाम पे दिल ला रही, इन्ना लनराहा फी कलाली मुबीन, उसने कहा अच्छा कल मैं अपने घर में एक माफर रखने लगी, फैसले माँ माफर में कायदा करूंगी, होगा तुम्हें एक एक सेब दिया जाएगा, एक एक छुरी दी जाएगी, सेब तब काटना जब हजरत यूसुफ तशरीफ लाए और लाके अपने चेहरे से निकाब उठाए, लिखा जब हजरत यूसुफ अला नबी अलैहि सलातो सलाम गलियों से गुजरा करते थे आपके रुखसारों की चमक दीवारों पे पड़ा करता था, कैद पड़ गया मिस्र में खाने को कुछ नहीं रहा, हजरत यूसुफ टेरेस पे तशरीफ लाए, सारे मिस्र वाले इकट्ठे कर लिए गए, हजरत यूसुफ ने रुख से निकाब उठा लिया, लिखा ये हुस्ने यूसुफ की महवियत का आलम था, कितने माह तक मिस्रियों को भूख ही नहीं लगी, बोले 3 महीने रची खलकत वेख यूसुफ की नहानी, जिना मुहम्मद अरबी डिठा रजे तुम जनानी, मन सब नबी क्या कुछ
जेबों में छुरियां रख के हजरत यूसुफ अलैहि सलाम तशरीफ लाए, चेहरे से निकाल उठाया, ये हुस्न यूसुफ का आलम था। जो कुरान कहता है वो कुत्ता ना रही थी हूं एक नहीं उंगला बट बैठी है और बट के ऐड ही कहीं हाय हाय उंगला बट छिड़ी है, बल्कि ऐसी महफ थी हुस्न यूसुफ अलैहि सलाम ने। आगे से क्या कहती है, वकुलना हाशा बिल्लाह मा हाजा बशर इन हाजा इल्ला मलकुल करीम। फरमाती हैं ऐ ज़ुलैखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ ज़ुलैखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां हैं। ओथे वेख के बढ़िया भी थी उंगलां, इत्थे बगैर वेखे इल्मुद्दीन ने सिर ते चढ़िया, या बगैर देखे मुमताज कादरी ने सर दे दिया। बुत है जमात की आस्तीन में मुझे है हुक्म इल्हाम सारी तकरीरां आंदियां ने सिविल निजामियां दे चढ़ी खा दे ने, मैनु भी बुला दे खिताबत याद है जी सारी गंगू खतीब आंदे जी फिर दुहुई है जमान उम मकाम की जुन्नत न जमान न मकाम ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्र है भाई ना किसी की खुशामद की ना किसी ने जी जिया क्या अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी तरह से कहूँगा मेरे बच्चों मुझे मुझे डर लग रहा है आप आपको देख के नौजवानों को मुझे आपको देख के डर लग रहा है। तो बड़ा 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 कठिन इम्तिहान आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही तो उसकी क्या तैयारी कर। आपको पता है जितने भी कादियानी इनके पास को दो बड़े हथियार कौन से, एक चिट्टी चबड़ी दूजी दमड़ी। मुझे तो डर लग रहा है तुम किस तरह से इम्तिहान के पास हो, खतरनाक उनके हथियार चिट्टी चबड़ी दमड़ी। ना बता ना चमड़ी के लिए उनको छोड़ना ना दमड़ी के लिए छोड़ना। बड़े तुम्हें उसका वीजा उसका वीजा थूक देना ठोकर मार देना उस वीजे को, लेकिन पता है महबूब से वफा कर। मेरे पास उस दिन बच्चा अब पुत्र डाबा मारेंगे तो काम और खराब हो गया, प्यार से समझाने ना वापस आने वो आ गया। मैं पुत्र इस पे बहस हो गई सी, हमारे बुजुर्गों ने तो कहा जो उस पे दलाल दे वो भी नहीं ठीक, किसी जो इसके किसी के दलाल सुने वो भी नहीं ठीक। दलाल तो उस पे दिए जाए जो हो नहीं सकता, तो दलाल का क्या। आप मस्जिद में बैठे हैं आपको दलाल की जरूरत तो नहीं है, मस्जिद में ऐसे बस हमें भी किसी दलील की जरूरत नहीं। बस बात खत्म। खातमन नबी जी जिसने भेजा वो कह रहा है खातमन नबी जी, खातमन नबी जी जिसने भेजा वो भेज के कह रहा है खातमन नबी जी, और जिनको भेजा वो भी कह रहे हैं ला नबी या बादी। उसको इतने काम है पुत्र अल्लाह तेनु हिदायत दे, बस तू दो गल्ला मिली जिसको तू नबी बनाने जा रहा है, मिर्ज़ा जो होता खुदा का नबी लैटरीन में गिर के ना मरता कभी। लेकिन सुन मेरा महबूब, और जो तेरे में सलमा रदी अल्लाह ताला ने फरमाती है मेरे महबूब के विशाल का वक्त करीब था, अपने महबूब के दीदार के लिए हाजिर हुई। फरमाती राह नहीं गया मोहब्बत में मैंने अपना दाएं हाथ अपने महबूब के सीने पर रख लिया। फरमाते हैं इस सीने अकदस पे हाथ रखने की बरकत थी, और फरमाते मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। और फरमाते कितने दिन ना भूख लगी ना प्यास लगी। मैं पुत्र जिंदगी का रब नूं पता है, अरे गौर करी मैं आखिरी दम तक तेने नहीं कहना जब तू ही कोतरी गल लाल के लाया। एक ही गल नहीं है मिर्ज़ा जो होता खुदा का नबी लैटरीन में गिर के न मरता कभी। अब्दुल्ला बिन सलाम उलमा यहूद में से
फरमाते जब महबूब मदीना तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ियारत हो गया, कहते कहते जैसे मेरी नज़र आपके चेहरे कदस पे पड़ी, अब साख्ता कर उठा, वो इतना सोना चेहरा तो किसी सच्चे का ही हो सकता, देखने वाले कहा याद आता है खुदा देख खामाए कुदरत का उसने दस्तकारी, वाह वाह तस्वीर क्या थी अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। ये कहता काका चलो जी पुत्र 5 मिनट रह गए, अपने माँ बाप की बड़ी कदर करो, अल्लाह मैंने बोलना था चलो अच्छा वो उसने याद करवा दिए, बस वो थोड़ा जज्बाती हो के मैं मिल रहा हूँ अपने वाले, और मैंने वालदैन कहा सिर्फ अम्मी बाप नहीं कहा, अब तड़ाऊँ कर नकली है चला गई, लेकिन मैं फिर स्टेज पर ही आऊँगा, मैं फिर अपने इधर बड़ा कुछ माँ की शान, माँ की शान, मैं काली नहीं माँ की शान, वो बाप की कोई शान नहीं, बाप ने क्या बिगाड़ा है, माँ ने पता नहीं की लिख छड़े तुसी, बल्कि दुआवां पे मंगते फिरते हो, ना मरण कभी किसी दी माँ, मैं उस दिन हमारी कोशिश होती है हमारे हाँ जरा नाक कान के होते बचे, उन्हें इनका कोई पता नहीं क्या वो एक कहता नहीं मैंने पढ़ना रहा, उसने सर पे ना बड़ा सोना मामा बांध रखा था, मैंने कहा कुछ मकबूल पड़ेगा, लेकिन हजरत उसने नाथ खानी के साथ वो सलूक किया कि तो मैं चुप पर एंड पे जनाब भी शुरू हो गया, ना मरण कदी किसे दिया मामा, वो सामने बैठी थी मैं चुप तो सामने खड़ा हुआ, फिर मैंने स्पीकर पकड़ते मैंने कहा, मैंने कहा भाई तुम कह रहे हो ना मरण कदी किसे दिया मामा, तो मैं दो सारे ने मर दिया दरवाजे का नाम है जब घर से दरवाजा टूट जाता फिर घर में सुखा जाती है, लोग कहते हैं ये तीन नहीं, फिर घर में सबका आता है, फिर घर में खैरात आती है, फिर घर में फितराना आता है, बाप उस मजबूत दरवाजे का नाम है जब तक ये दरवाजा घर पे मौजूद है आखिर तब तक कोशिश करता है ना जुकात आए ना खैरात आएगा, बाप ने क्या बिगाड़ा तुम्हें पाला है ये कसूर है उसका, तुम्हारे लिए मजदूरी की है ये कसूर है उसका, तुम्हारे लिए मुशक्कत की ये कसूर है इसका, ना जून की दोपहर देखी ना दिसंबर की सुबह देखी ना बारिश देखी ना धुंध देखी, मोटरसाइकिल पे निकल गया तुम्हारे लिए और तुमने उसको बुला ही दिया, किसी खाते में उसका नाम नहीं आता लिखा, बल्कि रजी मां की दुआ जन्नत की हवा गाड़ी में भी लिखा, ठीक है मामा ठंडी है अच्छा मैं किसी से इनकारी नहीं, वो भी बाप के लिए क्या है, बाप के लिए कुछ भी आप नजर ही इसका कुछ नहीं है, दरसा मैं बड़ा ढूंढिया चलो तो प्योर ही लगे, हो सकता है कोई हो मेरे इल्म में ना आया होगा, होएगा तो मुझे बता दे, क्योंकि मुझे बड़ा ढूंढ ढूंढ के ना एक ही फिक्र मिला, और वो भी तुमने उसको छिलर से याद कोई नहीं किया, क्या भला प्यो दिए गालां ते की वो दिए नाल, वो जालिम गालें ही लगी हैं और का कहने पता नहीं, गाली अगर याद भी किया तो फिर गाली मजदूरी नहीं देखी उसकी मेहनत नहीं देखी, डबल डबल ड्यूटियां करना नहीं देखी, मैंने तो बाप को तुम्हारे लिए गुर्दा तक बेचते देखा, मेरे सामने एक बाप है उसके बेटे ने बेटे एडमिशन लेना था मैं गवाह हूं, स्पीकर लगा हुआ मैं मेरे सामने उसने गुर्दा बेचा, क्या कर रहे हैं क्या पता बाप
क्या खिंच होती है बाप को लगा। अल्लाह अभी दूसरा दिन ना घर से बाहर तुम्हें क्या बताऊं अंदर क्या गुजर रही है। अल्लाह मैं कोशिश करता हूं जब मैं सफर पे हूं बच्चों से बात ना करूं, इंसान ना दिल नरम पड़ जाता है। दिल कर रहा आज ही जो मेरा आता है मैंने कहा जब उनकी बारी आती है तुम्हें वो भी कोई नहीं होती कि मैं भी कार जावा तो जाके अब मेरे सीने में ला वो तो आते सबसे पहले तुम्हें उठाया करता था। तुमने कभी पूछा दसो भाई जी को पुत्र ऐसे बैठा है तो मैं जाके अभी हाथ चौंक के जाऊंगा जिन्हें कभी इधर जी जाने अब भी हुआ आख्या है पर ये लोग क्या जो पकाई जो मेरे भूजी आखा है। वो तो जाते हुए तुझे पूछ के जाया करता था पुत्र की लैके वहां ये ना मरते हमारे रवैये कुड़ते कुड़ते फिर पटिया टसी कुड़द्या कुड़द्या फिर ब्लड प्रेशर हो गया कुड़द्या कुड़द्या फिर किसी ना किसी आजाद के सर पैदा है फादेदार असी कातल की करना है कोलू तो पूरी मंडी खरीद लेनी मनु साहब तेरी मंडी का की ज्यादा उत्ते गए जो जीवन हाँ कभी कोल बह के सेब ही नहीं कट के खोया हों खोया हों ती छेती मरद ही जिना जिना तो खो लिया कदर करी ओरी रोया कख नहीं जियो अच सारा कुछ जियो लाड करो और मैं बस बात खत्म करूंगा फिर दो मिनट ऊपर चला जाएगा तुझे जी पता है मेरे बेटे छोटे नहीं है तो बाप होती इतनी देर मैं भी नाशना था क्योंकि जो बड़ा बेटा था 25 साल में निकाह हो गया 26-27 में मैंने बेटा दे दिया तब खुद ही बड़ा गौम था मैं आपकी मना नहीं अब जरा निकल आए मुझसे बाहर लेकिन वो बड़ा लेट गया अबू भी फोत हो गए अम्मी भी फोत हो ये छोटा बेटा ना मेरा मैं जब घर जाऊँगा तो जिसकी मेरी पहली मुलाकात होंगी वो इसी तरह होंगी अगर पीछे से आएगा तो पीछे से पकड़ेगा आगे से आएगा आगे से पकड़ेगा और एक आवाज़ देगा बाबा फाइटिंग फिर प्यो पुत्र लड़ेंगे मेरी उम्र 38 साल उसकी उम्र 23 साल मधु तू 35 साल बेटा लड़ेंगे दोनों बाप बेटा थोड़ा सा जोर लगाऊंगा मैं लेकिन एंड क्या होना उसको कुछ नहीं था 38 साल 35 साल बड़ा बाप जान बूझ के नीचे तो फिर वो बाप के सीने पर बैठ कर 35 साल छोटा बेटा अपनी फतह का जश्न उसने मुझे बताया कि सुलेमान जी होता है बाप जो 35 साल बड़ा होके भी जान बूझ के कुश्ती हार जाता है। क्यों तुमने उसको मैं ना खाना तक प्योली क्यों पढ़ते हो तू ही ढिड से लत मारोगे प्योली पढ़ो हिलते कोई नहीं मां ही पढ़ो ना ही थलियां लैके उठ कर कोई नहीं प्यार प्यो उन्होंने मेरे महबूब
तो फरमाते हैं जब तू वालिद के साथ चल तो इस अंदाज से चल कि देखने वाले को भी पता चले जो आगे आगे जा रहा है वो अब्बू जी है, जो पीछे पीछे आ रहा है वो बेटा वाला है। इतनी शान वाले सरबराह है घर में। क्या बात, साढ़े बाबे कोई हरी चाह की दुकान से बह के टाइम लगा दे कुछ कमा लेना जिल्लत बदा हो।